कहते हैं खंडरों के अपने जुबान नहीं होते, लेकिन इनके हर एक पत्थरों के पास शायद अपना ही एक दास्तान है। और इसीलिए इस बार इस मुसाफिर का कारवा आ गया था एक ऐसे ही दास्तानों से घिरा हुआ मंजिल पे, हम्पी। हम्पी में दूसरा दिन हमारा आँख खुला तो सामने था ये शानदार नज़ारा। हम जैसे शहरी लोगों के लिए नेचर के बीच में ऐसे दिन की शुरुआत एक सपने से कम नहीं। इसके बाद समय था इस जगह के इतिहास के साथ गुफ्तगू होने का, और इसीलिए हम रवाना हो गए साउथ हम्पी की तरफ अपने गाइडेड टूर के लिए। हमारे इस गाइडेड टूर का पहला डेस्टिनेशन था विजय विट्टला टेम्पल। मेन गेट से मंदिर तक जाने के लिए बहुत सारी बैटरी ऑपरेटेड कार्स आपको मिल जाएंगी। इट विल कॉस्ट यू अराउंड ₹60 पर पर्सन, और अगर मौसम अच्छा रहा यू कैन ऑल्सो टेक अ वॉक थ्रू दिस कॉरिडोर ऑफ हिस्ट्री। पंद्रहवीं सदी में बना यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य की एक अनोखी धरोहर है। नैवेद्य पीठा नैवेद्य करने के प्लेस एंड ध्वजस्तंभ टेम्पल फ्लैग। श्री कृष्ण देवराया ओरिसा राज के ऊपर बैटल विनिंग होने के बाद में विक्ट्री फ्लैग लगाते, विजय फ्लैग। वो विजय फ्लैग लगाने के लिए ये रथ देख रहे ना, उसका नाम प्रॉपर नाम है गरुड़ा पीठा। गरुड़ा मतलब विष्णु का वाहन, गरुड़ा वाहन, शिव का वाहन, नंदी वाहन। सारा विष्णु टेम्पल ऑपोजिट में नंदी पीठा रहते, विष्णु का शिवा ऑपोजिट में, शिवा टेम्पल ऑपोजिट में, विष्णु टेम्पल ऑपोजिट में गरुड़ स्तंभ रहते हैं। बट श्री कृष्ण देव राया ओरिसा राज के ऊपर बैटल विनिंग होने के बाद में एक कोणार्क में सन टेम्पल देखो, ये इम्प्रेस लगा को ये रथ बनाते। दिस इज ओनली लाइक ए शो पीस। 3 in 1 पिक्चर मैडम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इम्पोर्टेंट। दिस इज लाइक ए लायन फेस इन दिस वे, ऑपोजिट वे, okay, lion face, and this is like a jumping horse. And front side में देखे तो 2 horses fighting. Yeah. 5 in 1 picture देख सकते हैं. This is like a 3D picture, okay? Sir, ये देख रहे हैं ना? First we can see big monkey lifting a small monkey. Big monkey lifting a small monkey. After that we can see jumping frog, okay, and king cobra, okay, snake, and this is like a Lord Shiva and cobra, name of Nagalinga. Okay, brother. This is like a snake moving. How mundur moveltan kada? This is like a snake moving. Okay, snake moving, sir, and a flying Hanuman into the ocean. Body in the air, right leg and left leg, tail we can find it. Flying Hanuman into the ocean, sir. And mother monkey, baby monkey feeding a milk. Yes. Okay, sir, is taraf aa jaiye. Ma'am, aa jaiye madam. This is like a huge body, like a King Kong, gorilla. Okay, yeah. This is like a 5 in 1, 6 in 1 picture. Okay, so we are in front of the Virupaksha Temple. We have just covered the Vittala Temple. We have Ashok with us, who is helping us and guiding us in this whole tour. It's really amazing to see how the ancient architecture of India has been, and how we should really be proud of all this architecture that we have in India, and how accurately and precisely the engineering has been. So here we are in the Virupaksha Temple. You can see how it looks from outside. I don't think video is allowed inside, so I will try to give you kind of a look if it's possible. But let's see, if video is allowed, I will try to do something. So this one that we are seeing over here is a gold and diamond market. It used to be gold and diamond market in the ancient period. It's like 1 kilometer long. It has like a G+1 system. That's what our guide just told us. The most amazing part of it is these architecture that we are seeing over here. It's all kind of built without any cement or anything, right? And they have some incredible engineering to bond these huge rocks, right? So yeah, it's really amazing. विरूपाक्षा टेम्पल से कुछ ही दूर आपको मिल जाएगा अ मोनोलिथिक स्कल्पचर ऑफ लक्ष्मी नरसिम्हा, विजयनगर डायनेस्टी के आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स का एक और अनोखा एग्जाम्पल। 7 मीटर लंबा ये मूर्ति वाज स्कल्प्टेड आउट ऑफ अ सिंगल बोल्डर इन द ईयर 1528 बाय द आर्टिस्ट कृष्ण भट्टा। नरसिम्हा के मूर्ति के पास ही आपको दिख जाएगा मोनोलिथिक स्कल्पचर का एक और निदर्शन। 3 मीटर ऊंचा ये शिवलिंग साल भर पानी के अंदर रहता है, और ये पानी आता है तुंगाभद्रा रिवर के एक छोटे से कनाल से। बड़वी मींस गरीब लेडी, बट इसका प्रॉपर नाम है जलकंटेश्वरा। जलकंटेश्वरा मतलब 12 फीट शिवलिंग है, 3 फीट पानी रहेगा, इसलिए इसका नाम है जलकंटेश्वरा। 3 फीट पानी है ना, ये एक ही पत्थर में बनाया मोनोलिथ स्टोन। ओके, इधर देखिए। हमारा अगला मंजिल था प्रसन्न विरूपाक्ष टेम्पल, ऑल्सो नोन एज द अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल। कहा जाता है कि राज परिवार के लोगों के लिए ये मंदिर बनाया गया था बाय राजा कृष्ण देव राया। कहा जाता है कि लगभग 400 साल मिट्टी के नीचे दफन रहने के बाद दिस टेम्पल वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1980। मुगलों ने जब विजयनगर डायनेस्टी के ऊपर आक्रमण किया, तब ऐसे बहुत कम ही स्ट्रक्चर्स थे विच डिडंट फेस एन एक्सटेंसिव डैमेज, और हमारा अगला मंजिल इन्हीं कुछ चुनिंदे स्ट्रक्चर्स में से एक था, इस साम्राज्य का हाथीशाला। हमारे सफ़र में अगला मंजिल था एक ऐसी जगह विच कैन बी अ फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकुलर स्ट्रक्चर इन हम्पी, द लोटस महल। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक अनोखा मेल आपको देखने को मिलेगा व्हेन यू विजिट दिस वंडरफुल प्लेस। हमारे इस गाइडेड ट्रिप का आखिरी मंजिल था द रॉयल एनक्लोजर। स्प्रेड ओवर 95,000 स्क्वायर मीटर, this royal enclosure was the seat of power for the Vijayanagara dynasty. कहा जाता है उन दिनों इस इंक्लोजर के अंदर दरबार हॉल, प्लेटफॉर्म, टेम्पल ऐसी 40 से भी ज़्यादा इमारतें मौजूद थी और इस रॉयल इंक्लोजर के अंदर सबसे अनोखा था ये स्टेप टैंक। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की ऐसी मेल आज की इस दुनिया में शायद ही देखने को मिलता है। We had an amazing day. As I mentioned, we had taken a guided tour, and Ashok was very helpful. He was with us the whole day, and he guided us to all the places on the heritage site that Hampi had. Ashok is also having a great tour package, and he's organizing a tour by himself. So let's hear from him. आप भैया बताइए क्या आपका क्या? नमस्ते, Ashok Shetty. We did a good tour organizer for tour guide Hampi. Hampi करने के लिए we have arranged the hotel and breakfast and dinner and taxi and railway station pick up and railway station drop and tour guide and temple entry ticket. All of we did packages also. Please give me call and inform it. Sure, I will add all the details in the description. Yeah. Okay, thank you. Namaste. Sure. Thank you. Thank you. So all the details and the number and the description of Ashok is in the description of this video. So if you are visiting Hampi, please do check with him. We had a lovely day so far, and so please do check the link and contact him if you are visiting Hampi. Yeah, Jai Shri Ram. Thank you.